हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। सो वेलकम बैक इन ट्रस्ट मी के लास्ट पार्ट में आप सभी ने सुना कि वो अक्की जो है वो पूजा पे चिल्लाती है और कहती है कि जब तक तुम तमीज़ ना सीख जाओ ना, मुझसे बात मत करना। पूजा भी कह देती है कि ठीक है, तुम्हें दूसरों के लिए ज़्यादा फिक्रमंद रहती हो तो तुम उन्हीं के लिए फिक्रमंद रहो, वैसे भी तुम्हें मुझसे फ़र्क ही क्या पड़ता है। अक्की बोल के अपनी साइड चली जाती है और पूजा दूसरी साइड। दोनों में कोल्ड वार सा छिड़ गया था। दोनों फ्रेंड्स के साथ होते हुए भी एक दूसरे से बात नहीं करते थे। अक्की पूजा को एक नज़र देखती और मन ही मन कहती, सुधर जाओ पूजा, मुझे तुम्हारी बहुत ज़रूरत है, तुमसे बहुत प्यार करते हो, लेकिन तुम्हारा जो रवैया है ना, ये मेरे बर्दाश्त के बाहर है। तुम किसी भी लड़की के बारे में ऐसा कैसे बोल सकती हो, खुद एक लड़की हो के। इधर पूजा मन ही मन कहती है, दूसरों की फिक्र ज़्यादा है मेरी नहीं, करते रहें जो करना है, मुझे भी इनसे कोई मतलब नहीं रखना, उससे देखती हूँ कब तक बात नहीं करते। दोनों के बीच एक जंग से छिड़ी हुई थी। जॉर्डन इस जंग को अच्छी तरह से भाप रही थी। धीरे धीरे वक्त बीत रहा था। 3 से 4 दिन हो गए थे और दोनों में से किसी ने बात नहीं की थी। पूजा अक्की के सामने आती तो अक्की चेहरा घुमा के दूसरी तरफ चली जाती और यही हाल कुछ पूजा का भी था। वक्त बीत रहा था और अक्की की बेचैनी बढ़ती जा रही थी, लेकिन उसने खुद को बस किसी तरह संभाल रखा था। इस बार उसने ये सोच लिया था कि कुछ भी हो जाए, पूजा को खुद आके मुझसे माफ़ी मांगनी पड़ेगी, वो गलत है और वो इस तरह किसी के साथ भी बिहेव नहीं कर सकती, और इसके लिए उसे ये बात समझनी पड़ेगी। धीरे धीरे वक्त बीत रहा था, लेकिन दोनों में से कोई झुकने को तैयार नहीं था। खैर, अक्की की तो इस बार कोई गलती ही नहीं थी, तो उसके झुकने का तो कोई मतलब ही नहीं बन रहा था। और जॉर्डन ये देख के हैरान थे कि अक्की ने पूजा से एक निश्चित दूरी तय कर ली थी, जिसे देख के वो सोच में पड़ गई थी कि अगर ऐसे ही चलता रहा तो ऐसा ना हो कि इन दोनों का ब्रेकअप हो जाए। उसने अक्की का हाथ पकड़ा और उसे साइड में लेके गई। उसने कहा, क्या लगा रखा है अक्की, है तुम ही झुक जाओ, तुम ही माफ़ी मांग लो। अक्की ने कहा, नहीं जॉर्डन, तुमने उस दिन देखा था ना पूजा ने उस लड़की के साथ किस तरह बिहेव किया था, इतने गंदे तरीके से बिहेव एक लड़की हो के वो किसी लड़की के साथ कैसे कर सकती है, जबकि हमें ये नहीं पता वो लड़की ऐसा क्यों कर रही है, किस लिए कर रही है, तो ऐसा बिहेव कर कैसे सकती है। इस बार नहीं, अगर मैं इस बार झुक गई तो वो हर बार मनमानी करती रहेगी, उसे ये अंदाज़ा तो है ही मैं उसके बिना जी नहीं पाती हूँ, वो और समझ जाएगी कि वो कुछ भी करे मैं उससे ज़्यादा देर नाराज नहीं रह पाऊँगी, और इससे उसे शह मिलेगी। तुम बात को समझने की कोशिश करो, उससे एक एक पल दूर रहना मेरे लिए भी मुश्किल हो रहा है, लेकिन मैंने खुद को किसी तरह स्ट्रॉन्ग किया हुआ है और मैं अब हार नहीं मान सकती। पूजा को अपनी इस आदत को सुधारना ही पड़ेगा, चाहे जो हो जाए। जॉर्डन को कहीं ना कहीं बात समझ में आ रही होती है कि गलती आखिरकार
पूजा की थी, उसी ने इस तरह से बिहेव करके एक दूसरे को हर्ट किया था। खैर, जॉर्डन एक बार पूजा से बात करने की कोशिश करती है, पूजा को अपने पास बुलाती है और उसे एक कॉलेज के कॉर्नर पे लेके जाती है। वो पूछती है कि कब तक चलने वाला है पूजा ये? पूजा बड़ी मासूमियत के साथ कहती है, क्या तुम्हें भी पता है मैं किस बारे में बात कर रही हूँ? नहीं, मुझे नहीं समझ आया तुम किस बारे में बात कर रही हो। वो सीरियसली, मुझे नहीं समझ में आया, तुम बता दो। पूजा, प्लीज़ ये ड्रामे बंद करो और अक्की से जाके बात करो। मैं अक्की से जाके बात करूँ? अक्की ने सबके सामने मेरी बेइज्जती की, मुझे भला बुरा सुनाया, और तुम चाहती हो मैं उस अक्की से जाके बात करूं? एक उस दो कौड़ी की लड़की, शट अप पूजा, तुम्हें भी पता है तुम बोलते बोलते बहुत ज़्यादा बोल जाती हो। वो दो कौड़ी की है या चार कौड़ी की है, तुम्हें इससे क्या लेना देना है? हाँ, नहीं, क्या लेना देना है तुम्हें इस बात से? वो जो कमा रही है अपने लिए कमा रही है, जो कर रही है अपने लिए कर रही है, जैसा कर रही है अपने लिए कर रही है। अक्की की ये बात ठीक है, तुम खुद ये नहीं देखती हो कि तुम किसके सामने क्या बोल रही हो, और तुम बोल जाती हो। किसी और को भी तो तुम्हारी बात का बुरा लग सकता है। तुम क्यों उस लड़की के पीछे हाथ धो के पड़ गई हो? उसने कुछ बिगाड़ा है तुम्हारा? कोई बदतमीजी की है तुमसे? तुमसे कोई उधार लिया है उसने जो चुकाया नहीं है? तुम उस लड़की के चक्कर में तुम दोनों का रिश्ता खराब कर रही हो, समझ में आया? और फॉर योर काइंड इन्फॉर्मेशन, अक्की के पीछे बहुत लड़कियां हैं, बहुत। वो चाहे तो किसी भी लड़की के वो डेट कर सकती है। शायद तुमने ध्यान नहीं दिया है, बट मैंने ध्यान दिया है, कई लड़कियां उसके इर्द गिर्द घूमती रहती हैं। तो पूजा आंखें तरेर के जॉर्डन को देखती है और कहती है, क्या मतलब है तुम्हारा? कहती है, मतलब तुम्हें भी समझ में आ रहा है? अगर इस रिश्ते को बचाने की कोशिश तुमने नहीं की तो शायद तुम उसे खो दोगी, क्योंकि एक तरफा रिश्ता तो कभी नहीं चलता ना। आगे तुम्हारी मर्जी है, जितना मैं तुम्हें समझा सकती थी मैंने समझा दिया। ये कह के जॉर्डन वहाँ से चली जाती है और पूजा वहाँ से वापस आती है और देखती है कि एक लड़की अक्की से बात कर रही होती है, काफ़ी क्लोज हो के। उसके कभी गाल पे हाथ लगा रही होती है तो कभी शोल्डर पे। अक्की भी उसे हंस के रिप्लाई कर रही होती है, तो ये देख के पूजा को गुस्सा आता है और वो गुस्से में वहाँ आती है और अक्की का हाथ पकड़ती है और कहती है, चलो यहाँ से। तो वो लड़की कहती है, पूजा मैं बात कर, शट अप, तुम्हें पता नहीं है अक्की मेरी गर्लफ्रेंड है, ऐसे कैसे तुम उससे बात कर सकती हो? और ये हाथ लगा लगा के बात करने का क्या तरीका है तुम्हारा? दूर रह के बात नहीं होती तुमसे? ये देख के अक्की तो हैरान हो जाती है, कहती है, इससे क्या हो गया? तो वो लड़की गुस्से में पूजा को देखती है और कहती है, तुम खुद को समझती क्या हो? कहती है, जो तुम खुद को नहीं समझती, समझ में आया? आई एम हर गर्लफ्रेंड, ओके, सो डोंट क्रॉस योर लिमिट, स्टे अवे फ्रॉम हर। तुम्हारे सारे इरादे मुझे बहुत अच्छे से समझ में आते हैं, समझे तुम? तो गलती से भी कोशिश मत करना कि तुम इसके पास भटको।
नहीं तो तुम्हारा जिस हाथ से तुम इसे छूती हो ना, उस हाथ को तुम्हारे शरीर से अलग करके फेंक दूंगी। अक्की तो भाई शॉक्ड होकर खड़ी रहती है, और पूजा फिर घूर के अक्की की तरफ देखती है और उसे लेके वहाँ से दूसरे एक खाली क्लासरूम में आती है। उसे ज़ोर से धक्का देती है क्लासरूम में और कहती है, मैंने तुमसे 2 मिनट बात करने की बंद की, तुम दूसरी लड़कियों के साथ नैन मटक्का करना शुरू कर दिया, दूसरी लड़कियों को क्लोज जाना शुरू कर दिया। अक्की कहती है, मैं क्या क्लोज, मैं कहाँ। तो कहती है, शट अप, बहुत अच्छे से देख रही थी मैं क्या चल रहा था वहाँ पे। कोई भी लड़की तुम्हें छुए, तुम्हारे करीब आए, तुम्हें हक करे, तुम उसे मना नहीं कर सकती हो। मैं भी ये सब करूँ बाकियों के साथ तब तुम्हें अच्छा लगेगा। तो अक्की आगे बढ़ के पूजा को गले से लगाने की कोशिश करती है, बट पूजा उसे फिर से धक्का देते कहते हैं, गाल पे ना खींच के थप्पड़ मारूंगी, एक तो तुम मुझसे बेवजह लड़ती हो, ठीक है, ऊपर से फिर दूसरे लड़कियों के इतने करीब जाती हो, क्या मतलब चाहती क्या हो तुम मुझसे। तो अक्की को अभी भी हंसी आ रही होती है, कहती है, ये जो दांत दिखा रही हो ना, मैंने तुम्हारे दांत तोड़ देने हैं, ये याद रखना। तू दांत दिखा रही हो, मुझे गुस्सा आ रहा है तुम। अक्की कहती है, क्या हो गया है तुम्हें, क्या हो गया है मुझे, अभी भी तुम मुझसे ये पूछ रहे हो मुझे क्या हो गया है, सीरियसली। तो अक्की चुपचाप खड़ी होती है और पूजा आप उसको कॉलर पकड़ती है, उसे जोर जोर से झिझोड़ती है, उसके गाल पे एक दो थप्पड़ मारती है और अक्की जो कि तुम मुस्कुरा के खड़ी होती है। पूजा कहती है, मैंने ना तुम्हें सच में जान से मार देना, तुमने मेरा खून पी रखा है सच में। तो कहती है, क्या हो गया, एक तो तुम मुझसे, कहती है, देखो मैं तुमसे नहीं लड़ी पूजा, तुम्हारा जो बिहेव है ना, खासकर उस लड़की को लेके बहुत रूड है, इस तरह बिहेव करोगी तो किसी को भी गुस्सा आएगा। तो फिर पूजा आंखें नीचे कर लेती है। तो देखते हैं आगे क्या होगा, ये तो नेक्स्ट पार्ट में सुनेंगे, तब तक के लिए इस पार्ट को एंजॉय कीजिए, बाकी क्या होता है ये कल सुनते हैं। बाय बाय, टेक केयर।